चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम आगे की कार्रवाई। सॉरी भाई, काउंटिंग ऑफ फिगर लगभग हम 100 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक बार टाइप बता देता हूँ फिर क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। हमने एक ये टाइप पढ़ा था, शायद आपको याद हो। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? कितने ट्रायंगल थे इसमें? 8। मैंने गिन के भी बताया था लेकिन आपको गिनना नहीं था, मैंने कहा नंबर डाल के दुगना कर देंगे। फिर मैंने आपको ये टाइप बताया था, इसमें कितने ट्रायंगल बताए थे? 12, कि नंबर डाल के इसको डबल कर देंगे। फिर ऐसे बताया था आपको, और फिर इससे आधारित कुछ क्वेश्चन कराए थे, इसमें कितने बताए थे? 16। अब इसके आगे का टाइप देखते हैं, ठीक है। आगे का टाइप कैसे देखो, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। आराम से पहले इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, फिर इसमें बताओ कितने ट्रायंगल। हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इसमें बताओ। शाबाश विकास, बताओ भाई सबसे पहला लड़का इसमें इसमें। शाबाश, गलत आ रहा। पढ़ाने के बाद तुम लोगों का यह हाल है। सौरभ बताओ, तीन चार इंच छुट्टी मार के आया, बता। शाबाश, किसमें? नहीं यार, 21 है। हाँ 32 तो गलत है। कितने मत पढ़ना, अगले साल पढ़ देंगे, पेपर में आ गया तो लिख देंगे, हमें याद नहीं थी चीज़ें। देखो पहले इसको देखते हैं, हम 1, 2, 3 और एक पूरा, लेकिन गिनने में परेशानी है ना, परेशानी। कभी भी ऐसे ट्रायंगलों को गिनना नहीं है, क्या नहीं करना है। आप ये देखोगे बेस यानी आधार, आधार पर कितने ट्रायंगल बन रहे? दो। कितने बन रहे? दो। दो इवन नंबर है, ओड नंबर है। इवन यानी सम संख्या है दो, ये तो पता है, सम विषम कल भी बताई थी। सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो हमने फॉर्मूला लगाना था 1/8 एन एन प्लस 2n+1। क्लियर है बात? तो आप यहाँ से लगा सकते हो, देखो 1/8, n की वैल्यू कितनी? 2 और 2 4, 2 × 2 4 और 1, 2 से काटा, 4 से 4 काटा, कितना आंसर आ गया? अब आप देखो यहाँ बेस पे कितने हैं, कितने हैं, इसमें n की जगह 4 पुट कर दो,
अगर एन की जगह हम चार पुट करेंगे, चार, चार और दो छः, चार दूनी आठ और एक नौ, दो से काटेंगे कितने ट्रायंगल, तो इसमें सत्ताईस त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? सत्ताईस। अब मैं इसकी बात करूं तो देखो, पहले तो बड़े वाले में देखो कि एक दो तीन चार और एक पूरा पाँच, ऐसे ही पढ़ते थे हम, तो बड़े तो पाँच, ये तो ये हो गए। अब मैंने कहा इसको गिनने का तरीका, मैंने ये बताया था आपको, अगर ऐसे लाइन खींच रही हो तो इसमें नंबर डाल के ऐड कर दोगे, एक जमा दो जमा तीन छः, ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ मैंने नंबर डाला एक जमा दो जमा तीन, टोटल कितना आना चाहिए? छः। लेकिन ये तो हम काउंट कर चुके इस पाँच में, तो एक कम करेंगे तो पाँच, ऐसे नंबर यहाँ डालेंगे तो पंद्रह, ये तो काउंट कर चुके हैं, एक दो तीन चार दस, ये तो हम काउंट कर चुके हैं, यही बनेंगे, ऐड कर देंगे, तेईस और दस तैंतीस, इसमें बात समझ में आ गई सारी, क्लियर है, लिख लो इसको एक बार। ये देख भाई, इसका तरीका ये है दोस्त, कि मान लो हमने इसमें पूछा कितने ट्रायंगल है, तू कहेगा सर एक तो ये, एक एरा दो, एक पूरा, ऐसा नहीं करना, इसमें नंबर डाल के दोनों को जोड़ दे, जैसे नंबर डाल सबको जोड़ दे, क्लियर है, उसके हिसाब से क्लियर। मिटा दें, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, उससे पता चल जाता है, रिवाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी बेटा। कैसे बनाया बेटा पता है तूने? गधे, देखो कैसे बनाया वो, और ऊपर देख कैसे बना हुआ, ये नीचे वाला जो भी बनाया गलत बनाया तूने, मिटा दे। इसमें कितने ट्रायंगल है? ये लाइनें बिल्कुल सीधी आएंगी, घबराएंगे बिल्कुल नहीं हम, ये बिल्कुल सीधी लाइनें मिलेंगी। हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज है? सत्तर।
भाई वाह 78 सेकंड, बिल्कुल ठीक है भाई, ये लड़का कुछ करके मानेगा भाई। आ गया सभी का 78। देखो बेस पर कितने बन रहे, इवन संख्या तो मैंने बताया था वही 1/8 एन एन प्लस 2 टू एन प्लस 1, तो 1/8 एन की जगह कितना लगाना हमने 6 और 2 6 दूनी 12 और 1 8 से 8 कैंसिल 13 गुना 6 78 ट्रायंगल है इसमें। कितने ट्रायंगल है 78 ट्रायंगल। क्लियर है कंफर्म। देखो अगर ये वाली लाइन हटा दे वो, अब इसमें कितने ट्रायंगल हो। कई बच्चे फिर बेस पे काउंट करते हैं, देखो यहाँ बेस पे 1, यहाँ बेस पे, यहाँ बेस पे, यहाँ बेस पे 4, यहाँ बेस पे 5, यहाँ बेस पे 6 बनने चाहिए थे, बने कितने 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद 6 बने, तो हम अपने आप बना लेंगे। जब हमने बनाया तो टोटल कितने आए थे, ये लाइन आने से कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने, एक ही एक ही है, तो 2 और घटा देंगे। अगर ये लाइन नहीं होगी तो 2 ट्रायंगल कम कर देंगे, अगर ये भी नहीं देंगे तो कितने कम करेंगे, 2 इधर 2 इधर, तो कितने होते। बात समझ में आ गई। पेपर के अंदर यही मिक्स कर सकते, बीच की कोई मिक्स जो मिस नहीं करेगा, कर देगा तो फिर काउंट करने का तरीका रह जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। मिटा दें, कहते सर मिटा दो भाई, आगे बढ़ते हैं। कर दी रफ भैया, देखो आगे। कितने ट्रायंगल है, डंडा उठा दूं, गिन के बता दूं, जब मानोगे तो पहले गिन के बता देता हूँ। 13 ट्रायंगल तो मैं गिन के बता देता हूँ, देखो एक बार फिर शॉर्टकट बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही हो गए, 9 में कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद देखो नौ और 1 10, एक ये वाला 10 और 1 11 11 तक कोई दिक्कत। उसके बाद 11 और 1 12 और 1 पूरा 13 में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना नहीं है ऐसे, हमें क्या करना है बेस पे देखना है। आप देखोगे बेस पे कितने ट्रायंगल है भैया, तो बेस पे आप कहोगे सर 3 ट्रायंगल है। 3 इवन या ओड, ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम। भाई वाह, अगर विषम संख्या है तो फॉर्मूला 1/8 एन एन प्लस 2 टू एन प्लस 1 माइनस 1,
इवन में ये वन नहीं आता, ओड में वन आ जाता है, बस एन की जगह कितना 3 पुट कर दो अगर विषम हो तो। 3 और 2, 3 दूनी 6 और 1 105 में से गया, 10 क्लियर है। एन की जगह कितना है अगर विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला सम होता तो एक नहीं था, पिछले क्वेश्चन हमने सम वाला करा तो एन की जगह 3 लग गया, 3 और 2, 3 गुणा 2 6 और 1 पहले इन सब की गुणा करनी है, वो आई कितनी हमारे पास 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 7 105 में से एक जाएगा, 104 को 8 से काटेंगे 13। स्पीड से लिखो फटाफट, मिटा दें कन्फर्म भाई, मिटा दें, पूछ लूँ एक, आवाज़ नहीं आ रही, अरे वाह। कितने ट्रायंगल है कितने ट्रायंगल हैं, हिमला 48 ट्रायंगल, हाँ भाई आ गया भाई, वाह बड़ा प्यारा लड़का तू तैयार है। हाँ भाई येलो येलो डट्टी फैलो, बेस पे कितने बन रहे 5, विषम है सम है, विषम है तो विषम वाला फॉर्मूला, अब नाला को 5 पुट करना है, यानी कि जगह कितना पुट करना है 5 और 2, 5 गुना 2, 10 और 1 इन सब की गुणा करो पहले तो 35 गुणा 11, 385 में से एक गया, हमेशा कटेगा कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, अब तुम्हें गुणा भाग नहीं आते तो वो हम थोड़ी सी गिनने से तो आसान है, आ गया। हमने जितने भी पीछे टाइप पढ़ाए थे अब सब टाइपों का मिक्स करके देते हैं, हमने काफ़ी टाइप पढ़ चुके हैं यहाँ तक, अब मिक्स सब देता हूँ जिसमें आपको ये भी लगे, पिछले वाला वो भी लगे, बॉक्स वाला भी लगे, प्लस करने वाला लगे, सब कुछ लगे, मिक्स सब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ रहे, कहते दे दो, मिटा रहे हैं, मिटा दें भैया, चलें नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन, दुलारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा सा, ऐसे बॉक्स बना हुआ है बहुत ही अच्छा सा, ऐसे बना हुआ है बड़ा प्यारा सा, अरे वाह, ऐसे लाइन है ठीक है, और ऐसे भी लाइन है, इस लाइन को ऐसे क्रॉस मारा हुआ है इस भाई ने, इधर भी इस लाइन को क्रॉस मारा हुआ है यहाँ तक,
फिर इस लाइन को यहाँ क्रॉस मारा हुआ है, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ क्रॉस मारा हुआ है। ये सब मिक्सअप जो एसएससी सीजीएल यूपीएससी सीसेट या किसी भी एग्ज़ाम ने पूछा है। हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दिमाग लगाओ और बताओ भाई। वाह, सक्षम शर्मा, छछम विमला मतलब विमल, बताओ तू तो तैयारी में नहीं लग रहा ना शादी की, नाराज तू तो पढ़ाई में कर रहा है ना अभी। 45 गलत है, 32 भी गलत है, 20 भाई वाह किसका है, 20 गलत है यार, 26 भी गलत है, 29 भी गलत है। यंग लिखा हुआ टी शर्ट बता साबा। भाई देखो मैं बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखो पूछे जा रहे सिंपल सिंपल, लेकिन आने वाले टाइम में दिक्कत कर रहा है, चीज़ें जो आ रही है ऐसी चीज़ मिक्स करके पूछ रहे हैं। सिंपल हमने पिछली क्लास में 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हम, अब इसको करना है क्या, जो पहली बार जुड़ा पिछले वाली वीडियो देख लेना एक बार, उसको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मैंने इसको जैसे पेपर में आया मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद बीच वाले में देखो, एक और दो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक ये के पूरा तीन, एक ये रहा ट्राइंगल है ना, टोटल कितने बीच वाले हैं, बीच वाली कहानी ख़त्म। ये दोनों सेम है, मैं एक पार्ट को गिन लूँगा दूसरा एज इट इज लिख दूँगा। तो मैंने कहा इसमें नंबर डालते, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, यहाँ कितना, एक और एक, और एक पूरा, और एक इधर, अब इन दोनों से मिलकर कोई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देखो ये नागिन दोनों से मिलकर बना एक, कितने बने इधर 13 इधर, तो अब देखो कोई भी इन पार्टों से मिलकर, क्या इस पार्ट से मिलकर कोई बन रहा है, या इस पार्ट से मिलकर कोई बन रहा है, कोई नहीं बन रहा, तो ऐड कर दो 13 और 5 18 और 13 31 टाइम। तरीका जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना आप लोगों को, क्लियर है भाई। वाह, सब विकास से पूछ लिया करो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है विकास, बता ही नहीं पाते ये लोग। बिठा दें, बिठा दें, खाली आमत रख के जाया करो, ले जाया करो पेनों को अपने को, बाहर फेंका करो। नेक्स्ट देखो, एक और ऐसा बढ़िया क्वेश्चन फर्स्ट क्लास सा, ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बीच में बड़ी प्यारी सी लाइन है, बिल्कुल मेरी तरह, यहाँ टच है, और ये लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधी गई हुई, भाई वाह ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, भाई वाह मज़ा आ गया। यहाँ मिल रही है दोनों लाइन, ठीक है, इसके बाद है ये लाइन यहाँ से खींची हुई एक, और एक लाइन खींची हुई भैया यहाँ से, हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं,
इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? लगाओ दिमाग भाई, भाई भाई कसम से बहुत प्यारे बच्चों के आप लोग। नहीं भाई, बाईस ट्रायंगल है, बिल्कुल भाई वाह। कुछ बच्चे हैं बोलेंगे लेकिन आंसर सही देंगे, 22 ट्रायंगल। सबका आ गया 22, बताने की जरूरत है? अच्छा दो बता देते हैं, चलो सबसे पहले इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। हमने इस पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट इधर एक इधर, इसको भी डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कर लिया। आप समझो, आप इस पार्ट में कितना देखो, एक दो, एक ये वाला और एक ये वाला, चार। क्या चार है क्या इस पार्ट में? अरे इस बॉक्स में चार क्लियर है? किसी को दिक्कत? एक ये वाला ट्रायंगल, दो ये वाला, एक ये लाइन खींच रही है, तीन इधर एक इधर, चार। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 16 में कोई दिक्कत? अब देखो इन दोनों से मिलकर एक ब्लू पैर से चलाते हैं, देखो एक और एक इधर, दो, कोई दिक्कत है? ऐसी दर की बात करेंगे, एक और एक, यानी दो इधर दो इधर, एक नहीं इधर एक ही बन रहा हमारे पास। देखो इधर ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं, इसलिए एक ऊपर एक ऊपर, एक इधर जोड़ दो। 416, 218, 220, 21 और एक 22 ट्रायंगल। बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप पेपर में देखोगे चीज़ें गलत नहीं होंगी। इसके बेसिक शॉर्टकट मैं सारे बता चुका हूँ आप लोगों को, पीछे पिछली क्लास के आप जिस तुमने नहीं देखे दोनों ने वीडियो देख लेना, मैं दे दूंगा आपको वीडियो आज, जाते हुए ले जाना पीछे से। बिल्कुल एक बार और देख भाई, क्या इस चार में दिक्कत है? है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिखा, बोल एक ये पूरा, एक ये पूरा, तो ये चार है। जब इसमें चार तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें चार। 16 में कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक, ये वाला बड़े वाला, एक के नीचे बड़े वाला, क्या ये एक में दो दिक्कत है? 16, 2, 18, कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद एक ये बड़े वाला, एक ये बड़े वाला, 20, एक ये छोटे वाला, 21, एक ये छोटे वाला, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो एक ट्रायंगल और देते हैं ऐसा ही हम आपको। सब मिक्सअप रूल लगेगा जितने हमने पीछे बेसिक पढ़े थे सारे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बिल्कुल विकास की तरह ना, विकास यहां तक दे रखा है, फिर एक लाइन ऐसे भी दे रखी है भैया, ऐसे सीधी लाइन है ये, फिर एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ से कट कर रही है, फिर एक लाइन यहाँ से कट कर रही है। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है? हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? एक लाइन ये भी कट कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कट कर रही, इतनी लाइन है, बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें? हाउ मैनी ट्रायंगल
इन दिस फिगर। बताओ भाई शाबाश। भाई वाह शाबाश, बड़ा प्यारा लड़का। तो यार एक ही बारे में बता दिया तूने तो यार, मानेगा तेरे को भैया। शाबाश भी बताओ। अगर जैसे मैंने बताया तोड़ तोड़ के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो तोड़ के कैसे, एक बार और समझ लो, दिमाग ऐसे खुलेगा, नहीं तो बेटा किताब की तरह गिनते रह जाओगे, गिनने में बहुत परेशानी है। ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, मैंने दो हिस्सों में बांट लिया इसको। अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः का दुगना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः का दुगना। इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, देखो एक दो तीन और एक इधर भी, ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। बारह बारह चौबीस, चार अट्ठाईस और चार बत्तीस में किसी को दिक्कत? अब देखोगे पिछले क्लास क्वेश्चन वाले वही, एक ये वाला, एक ये वाला, तो बत्तीस और दो। अब एक इधर, एक इधर और एक ये वाला, यानी इधर एक एक और इधर तो दो और दो अड़तीस। क्लियर? पिछले वाला क्वेश्चन है सेम, बस एक लाइन एक्स्ट्रा और मार लीजिए, मिटा दें। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ बनाते रहना इनको, पेपर के अंदर एज इट इज फिगर मिलेंगे। ये वो किताब से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, अब दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा पढ़ा दिया, एक बार पहले पढ़ा था जब आपको दिक्कत थी, मैंने कम क्वेश्चन पढ़ाए थे, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितने ट्रायंगल इसमें? भाई शाबाश, गलत आ रहा। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, पंद्रह। जो तोड़ तोड़ के पढ़ेगा उसको एक सेकंड लगेगी। अरे तोड़ तोड़ के पढ़ो ना गधो, ऐसे तोड़ो इसको, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तोड़ दिया। अब देखो इसमें, देखो एक दो तीन सबको जोड़ोगे, इसमें एक और दो, ये पूरा एक, ये पूरा एक, छः तीन और दो, क्या ग्यारह तक कोई दिक्कत है? अब मिला मिला के पढ़ो, अब मिला के पढ़ेंगे। देखो इन दोनों को मिलाया तो एक, इन दोनों को मिलाया तो दो, इधर इन दोनों को मिलाया तो तीन, और इन दोनों को मिलाया तो। तोड़ तोड़ के बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप एक से चीज सोचोगे तो पेपर के अंदर गलती करोगे, बार बार करोगे, हजार बार करोगे, और गलती करने की चीज होती है। मिटा दें, लिख लिया। चलो पतंग उड़वाते हैं अब आपसे, बढ़िया वाली।
ऐसे उड़ाते ना पता, ये बिल्कुल सीधी लाइन में, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन पतंग बना दी हमने आपकी। इसके अलावा एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, शाबाशी बताओ, जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के बताओ। भाई वाह, कितना प्यारा लड़का, एक ही लड़का यहाँ पे इंटेलिजेंट है। सोलह सबका आ गया, सोलह, ऐसा कौन है जिसका सोलह नहीं आया, जगाओ इसको, आया सोलह, इसको तोड़ेगा तो देखो, एक और दो, एक और दो, एक और दो, एक और दो, कितने हो गए, इन दोनों को मिला एक पूरा, ये वाला, इन दोनों मिला एक पूरा, ऐसे इसको एक पूरा, एक ये, क्लियर है, फटाफट आंसर देना, अब देर नहीं करनी। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगला बेसिक सा क्वेश्चन है, प्यारा क्या है तुम देखते ही बता दोगे, गारंटी मेरी से है, अगर तुम देखते ही बता दोगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो घटिया सा, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, कितने ट्रायंगल है, भाई वाह, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग यार, कसम से आप लोगों को देखता हूँ दिल खुश हो जाता है। 22 ऑप्शन में ही नहीं है, 24 ऑप्शन में है, 24 पता नहीं भाई आंसर क्या है, गिन के बताएंगे हम तो। शाबाशी बताओ, चौबीस तो ज़्यादा है, ऑप्शन में 28 भी है, 30 है ऑप्शन में, नहीं 32 है, फिर पता नहीं, देखते देखो भाई, अगर मैं इसको देखूँ एक और दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, क्या 12 में कोई दिक्कत है किसी को, इस वाले बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 चार का डबल, क्या 20 में कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक एक बॉक्स के अंदर और देखोगे आप बनाई हुई चीज़ें का, अभी तो हमने बारी बारी काउंट किया, ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखो, पहले एक ही बॉक्स के अंदर देख लोगे आप, एक दो तीन चार, कोई दिक्कत है, अब जोड़ जोड़ के देख लो, इन दोनों से मिलकर एक, इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर, कितने और आएंगे, सबको जोड़ दो, 28 के अलावा बताओ, 28 कितने ट्रायंगल होंगे, 28। ये दो बार काउंट कैसे कर लेगा, क्लियर भाई, ठीक, आगे बढ़े, कहाँ पे, तीन, एक और दो और एक पूरा, क्लियर, आगे बढ़ जाए, चल आगे, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन एक और, बिल्कुल बेसिक सा, ये तो साहिल ऐसे ही बता देगा, लड़का पढ़ता है ऐसा थोड़ी है साहिल,
बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें। नहीं, ऑप्शन में 14 भी है, 24 भी है, 22 भी है, 40 भी है। 14, 18, 22, 24 हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा 22 हो, 18 से तो ज़्यादा है। देखो 22 24 में से एक चीज़ चेक करते हैं, देख लो एक बार। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, इसमें कितने हैं, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, इस 8 में, उस 8 के अलावा अगर आप काउंट करोगे तो 9 10 11 ऐसे 12 नीचे वाले होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर हम कितने एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, एक और एक 22, तो ये हो गए। अब मिलकर देख लो कौन सा बन रहा है, मिलकर ये बन रहा है हमारे पास एक बन रहा है नालायक को, ये तो हम इसमें गिन ही चुके 12 में, गिन ही चुके ना 12 में, कौन सा बन रहा है हमारे पास, वो वाला कौन सा, ये बन सकता है। ये भी 12 में जा चुके तो कितना आंसर होगा, 22 होगा। क्लियर है, क्योंकि दो बार काउंट नहीं कर सकते हम, तो आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर, एक बार और या दूसरी तरीका देखा, ऐसे देख ले दोस्त, मैं सीधा सीधा बताऊँ तेरे को, मैंने कहा जितनी लाइन आती नंबर डाल के गिन लो, अगर हम ऐसे कर दे नंबर कितना आया, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 और 12, ये दो बॉक्स दो बार काउंटर, दो कम कर दिए। क्लियर है, वो सोचना कैसे भी सोच लो, आगे बढ़े, पक्का बढ़ जाऊँ ना, देख ले तू कह रहा था भाई मान ले, तो नहीं तो मैं हर किसी की बात नहीं मानता। मिटा दूँ ना, पहले कराए नहीं थे ना क्वेश्चन, कराए थे नहीं कराए थे, तू तो एक समझदार लड़का यहाँ पे, बाकी सारे तेरे जैसे ही है। ये तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने करा है ये वाला क्वेश्चन, तो मेंसुरेशन में कराया था। चलो कितने ट्रायंगल है बता दो, नहीं भाई
देखो इसमें कितने, इसमें भी, इसमें क्या 24 में कोई दिक्कत? एक तीन 28 तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसके अलावा ध्यान से सुनना, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, क्लियर? तो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ से भी एक बन रहा है, कौन से वाला? ये पूरे की बात करेंगे जब हम, एक और इसके अलावा एक और ऐसा कोई बन रहा है और छोटा, कहाँ पे? हाँ ये बन रहा है देखो, एक कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये वाली चीज देखो, रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक दो और एक पूरा तीन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। अब इनको ऐड कर दो, आठ आठ 16 8 24 4 28 2 30 और 2 32 और 3 35 टाइम 33 बताया था, कौन से वाला? दो के पास। नहीं क्योंकि पूरी लाइन नहीं जा रही, मतलब क्लियर है, लाइन एक ही जा रही है, मिटा दे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दूँ ना, नेक्स्ट आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आया है, ये है बॉक्स ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये वाली लाइन ऐसे है, इसके बाद जहाँ एक कट कर रहे हैं यहाँ से एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है और एक लाइन ऐसे। हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, 27। बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे, कई बच्चे बहुत प्यारे। सत्ताईस आ गया सभी का? जब दिक्कत करे ना तो क्या बताया मैंने, डिवाइड कर लो पार्ट में, देखा ऐसे हमने डिवाइड कर लिया, देख इसमें नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 6 का दुगना, इसमें नंबर डाल 1 2 3 4 5 6 6 का दुगना, दिक्कत? अरे बात तो वही है, इसने टेढ़ा बना दिया यार, वो टेढ़ा बना दिया, जिस ट्रायंगल तो 12 ही बनेंगे, इन दोनों को मिला के देखो, अब यहाँ तक पूरा ले लो, पहले तो पूरा ले लो एक, फिर यहाँ तक ले लो आप, दो, फिर एक ये पूरा वाला ले लो, अब यहाँ से ये पूरा ट्रायंगल ये वाला, तीन, 12 12 24 और 3 27। चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखोगे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी।
मिटा दें। क्या कह रहे हैं? थोड़े बहुत आ रहे हैं। सीधा सीधा मेरे एक टीचर बोलते थे वैसा कर लिया कर, करे जब सामने कोई पढ़ा रहा हो और कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई ना कोई, जब आपको आंसर नहीं आ रहा कोई ना किसी बहाने से लड़ जाएगा टीचर से, कहता मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, ना टीचर पूछेगा ना आपके आंसर देने पड़ेंगे। क्लियर है? मिटा दें। चलो आगे देखते हैं। कितने इसमें? अब ये भी जिसने नहीं बताया समझ लो बड़े वाला है वो गधा। कितने हैं? 13 ट्रेन वाले। क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत है? 13 में इसमें कितने? एक एक एक, ये वाला एक, ये वाला और एक पूरा। 13 क्लियर है? साइल मिटा दें, बढ़ जाएं आगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मिटा देते हैं। बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें? बता दो विश्वास। 27 गलत है, 25 भी गलत है। लड़का होता है ऐसा होगा। देखो अभी तक हमने एक चीज़ सीखी थी आपको, मैं बता रहा हूँ पहले चीज़ पे ध्यान देना, जो सिखाने जा रहा हूँ सीखना। इधर यहाँ बेस पे एक, यहाँ दो, यहाँ बेस पे तीन, यहाँ कितने होंगे? अब चार बना लिए हमने। इवन संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, बताया था चार, चार और दो, चार दूनी आठ और एक, कितने बनेंगे? फिर यहाँ से दो और दो कब चार माइनस कर दो, कितना आया? ये बताया था। लेकिन अब ऐसे नहीं करना आपको, जब ये लाइन मिस करके देगा, क्योंकि अभी डबल भी आएंगे, फिर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके साथ एक और बना होगा। करना कैसे हो देखो, आपको इसकी घंटी काउंट करनी, एक बार सीधी घंटी एक बार उल्टी घंटी। जैसे हम सीधी घंटी काउंट करेंगे, देखो यहाँ से इस बेस पर कितने बन रहे, देखो चार भाई, इस बेस पर देखो चार जा रहे, एक दो तीन चार, इस बेस पे देखो, इस वाले बेस पे तीन, इधर इस वाले बेस पे भी, इस वाले बेस से दो दो दो, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? और इस वाले बेस पे एक एक एक, किसको ये बात समझ में आ रही है? ये बात किसको समझ में आ रही है? नहीं मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत कम किसी, हर किसी के समझ में नहीं आती। आप यहाँ से देखोगे, इस वाले बेस से एक दो
तीन और एक पूरा चार। इस वाले पॉइंट से देखोगे एक दो तीन, इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से एक और एक, इस वाले पॉइंट से एक और एक, इस वाले पॉइंट से भी एक और एक, और इस वाले पॉइंट से सिर्फ एक ट्रायंगल आ रहा है। कौन से वाला? क्लियर है बात? अरे क्लियर है। अब रिवर्स घंटी चेक करो। रिवर्स कैसे? अब रिवर्स जाओगे जब आप यहाँ से देखोगे आप ये कितने पॉइंट तक जा रहे हैं, एक और एक, सिर्फ दो पॉइंट तक जा रहा है। और यहाँ कितने पे? एक और एक, इन सबको जोड़ दो, चार और तीन सात, तीन दस और दो बारह, दो चौदह और दो सोलह, और एक सत्रह और एक अठारह, और एक उन्नीस और एक बीस, और एक इक्कीस और दो। एक बार सीधी घंटी चेक करिए और एक बार उल्टी घंटी चेक करिए। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। एक बार लिख लो इस पॉइंट को, क्योंकि अब डबल वाला आएगा उसमें दिक्कत नहीं करेगा, फिर यही काउंट करेंगे वहाँ। उल्टे में देखोगे भाई, यहाँ से काउंट करो आप, यहाँ से देखो, इस पॉइंट से देखोगे या इस पॉइंट से देखो, पहले कितना बन रहा है यहाँ पे, एक इस पॉइंट से एक, और यहाँ से मिलाओगे तो एक इधर और एक दो। अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, चिंता मत करो, चिंता चिता के समान है। मिटा दें? देखो अभी चिंता दूर करते हैं आपकी। मैंने कहा दो तीन क्वेश्चन में करा दूंगा तो चिंता वैसे दूर हो जाती है। ये सब मैंने पहले नहीं कराया था, क्योंकि पहले सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी। ये सीधी लाइन है, बिल्कुल एक ही लाइन है, ठीक है? ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, और नीचे दोनों बॉक्स खाली छोड़ रखे। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल? मैं आसान आसान चीज़ें पढ़ा के भी निकल जाऊँ, लेकिन दिक्कत पेपर में आएगी, फिर वहाँ कौन बताएगा? यहाँ तो हूँ, ठीक है? इसे रीजनिंग की क्लास मैंने वीक में एक दिन इसे डाली कि रिवीजन के अंदर वो चीज़ें कराऊँ जो आपने पहली बार नहीं पढ़ी, ठीक है? एक बार और पढ़ लेना काउंटिंग फिगर, उसके लिए मैंने 500 नए क्वेश्चन तैयार कर दिए, इसके अलावा और किसी क्या आंसर? अच्छा बता रहा अभी तो बता, ट्राई तो करने दो। नहीं भाई मैं रुका हुआ कहीं नहीं जा रहा दोस्त। जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे घंटी गिनने की बताई थी मैंने, वैसे घंटी देख लो एक बार, देखो बिल्कुल सबका धन इधर होना चाहिए, गलती नहीं, फिर अगला क्वेश्चन आप कर लेना। मैं इस बेस को पकड़ रहा हूँ, कितने लिखूँ बताओ? कितने? अरे भैया एक दो और एक, इधर भी कोई दिक्कत है? इस बेस को पकड़ू तो, इसको पकड़ू तो, और इसको पकड़ू तो कोई दिक्कत है किसी को? देख लो अभी भी, इस बेस को पकड़ू तो और इसको पकड़ू तो, क्योंकि एक और एक दो इधर नहीं बन रहे कोई, सीधे तो यही बनेंगे। सीधे कितनी घंटियाँ बनी आप बताओ? 14 में किसी भी को दिक्कत हो पहले बताओ, किसी को भी दिक्कत हो 14 में? नहीं है ना, पक्का? अब रिवर्स देखो, है ये दो समझ में आया भाई? एक तो ये वाला और एक ये पूरे वाला,
ऐसे दो इधर, एक ये वाला एक ये, ऐसे दो एक ये वाला एक पूरे वाला, और एक 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 हमारे पास ये और एक हमारे पास सीधी में 14 में कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स देखो, अब आप रिवर्स काउंट करोगे इस वाले बेस से, देखो कितने बनेंगे, एक तो हमारे पास ये बनेगा और एक ये पूरा, क्लियर है। तो अब इस बेस से देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ही बनेगा ये वाला, और इस बेस से भी एक बनेगा ये वाला, कितने रिवर्स कितने आए, दो चार पांच और करा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अलग अलग बनाओगे दो फिगर, इसी चीज़ को दो बार बना लो समझने के लिए, एक बार सीधी घंटियाँ लिख लो एक बार उल्टी लिख लो, दिमाग में बैठ जाएगी। अगर एक ही में लिखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। शाबाश लिखो भी, बहुत प्यारे बच्चे भी। मिटा दें, नहीं बनना, फोटो खींच लो। अरे वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लिया यार, कैसी बात कर, दे देंगे वीडियो तेरे को। मिटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल है भाई, एक दो तीन छः, और एक ये वाला ट्रायंगल सात, और एक ये वाला, टोटल कितने, और इसमें इसमें कितने थे, कैसे, एक दो तीन चार पाँच, यानी ए से ई तक पाँच। एफ कोई ट्रायंगल है, एफ ट्रायंगल नहीं है लेकिन नाम दे दिया हमने। अब पाँच के अलावा काउंट करोगे, देखो अब यहाँ से शुरू करते, ए से, ए से मिलते जुलते ट्रायंगल क्या कौन कौन से बन रहे, देखो ए एफ सी, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, ए एफ और सी वाला, बिल्कुल ठीक है। ए से और कोई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ए एफ डी ये वाला, क्लियर है। ए से क्या कोई और बन रहा है, कोई और बन रहा है ए से, कोई नहीं बन रहा। अब बी से देखोगे आप, बी एफ ई, बी से कोई और बन रहा है, बी एफ डी, क्लियर है। अब बी भी हो गया, ए भी हो गया, इसके अलावा आप सी से देखोगे, आप सी एफ ई, सी से कोई और बन रहा है, नहीं बन रहा। तो टोटल कितने, पाँच दो सात और तीन दस, क्लियर है। इसमें कितने, इसमें ये कराना है क्यों था, अब क्वेश्चन आते हैं उसके बाद समझ में आएगा। मिटा दूँ, देखना है, ये दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में 15 बार पूछा हुआ है, कितनी बार पूछा हुआ है, 15 बार, तो याद सर याद हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल पूछेगा। चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर के पेपर में पिछली बार ये था, आगे बढ़े भाई, सबसे सीधा लड़का लगता पढ़ाई के मामले, बिल्कुल नहीं बोलता।
और नीचे कल तो भोपाल की गैस त्रासदी कांड की बात कर रहा था नीचे गली में, है ना। कौन सी बात चल रही थी? मिसाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते। कहते ना तुम्हारा तो टाइम चल रहा है, हमारा तो दौर आएगा। दौर मेहनत इतनी करो, टाइम नहीं, हमारा दौर आना चाहिए। दौर समझ रहा है? बिल्कुल आएगा जो मेहनत करेगा उसका। कल मैंने एक गाड़ी देखी गूगल पे, लेब्रेना कुछ ऐसा नाम था उस गाड़ी की, यार टीवी में नहीं आती। पर मैंने उसके बारे में खोजा क्यों नहीं आती, करा जिस आदमी को टीवी देखने का टाइम है वो गाड़ी नहीं ले सकता ये वाला, तो लंबर समझ गया। तो इसलिए सपने बड़े करो, हर चीज़ मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन तुझे ही बताना है। अब मैंने तेरे को इतना देखो भाषण दिया सपने के चक्कर में। ठीक है ना, विमल कर पूछ लेते। चाह पूछ जिसके लिए घरवालों ने सब कुछ छीना है उसी के घरवाले सब कुछ देके जाएंगे, दहेज में नौकरी ले ले विमल। सही कह रहा ना मैं एक चीज? बिल्कुल, बता कितना आंसर होगा। डस्टर दिख रहा है, बहुत तेज मारूं नालायक। मैं जल पी लेता हूँ, सोच के बताओ। पैंतीस बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्टार में कितने बनते पहले तो मुझे ये बताओ, कितने बनते इसमें भी बताए थे हमने, दस बनते। देखो अब की बार हो सकता है ऐसे पूछ ले, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो चार कदम फालतू करा रहा हूँ। दस इसको नंबर डालेंगे तो कितने बनेंगे? छः। लेकिन ये वाला तो गिन चुके हम स्टार में, तो कितने? पाँच 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 पाँच, कितने? मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप करो, गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गया? ये तो पूछ चुका है, हो सकता है इस बार ऐसे पूछ ले, हो सकता है एक में दो बना दे, एक में तीन, एक में चार, एक में पाँच बना दे। अच्छा देख ले बेटा, एक तो मेहनत करा रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कस करो टॉपिक यहीं खत्म है। तेरी किताब में है नहीं इतने क्वेश्चन। सबका भला होना चाहिए यार। बंदे मेरे को एक लड़का बोला कि सर पिछली बार ऐसे बोल दिया, हालांकि वो चल रही बात नहीं चलेंगी, कि सर पेपर ये हो जाता वो हो जाता है। मैंने कि सीधा सीधा तो इतना पढ़ के जाना कि कुछ भी हो जाए तेरा उससे दस नंबर तेरे फालतू है तो भी तेरा लिस्ट में नाम आएगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के जाओ, छोटी छोटी चीज़ तो कोई भी पढ़ा देगा। मिटा दूँ? कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हर चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से रौंद के जाओ। चलो अगला क्वेश्चन सौरभ बताएगा, जिन दिन की छुट्टी करके आया है। कहाँ गया था सौरभ? हैं घर ही था। जब तबीयत ठीक है, क्या हो गया था, किसके साथ गया था बाहर? तो इन्फेक्शन कैसे हो गया बता, कितने ट्रेंगल साहब? अच्छा एक लाइन और खींच देता हूँ सौरभ, बस ले ले। तू कह रहा था एक लाइन और, कह रहा सर एक, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा अभी। पंद्रह तो गिन रहा है, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। यहाँ तो एक है, यहाँ बताओ कितना लिखूँ एक के साथ? चार लिखूँ, पांच लिखूँ, छह लिखूँ या आठ लिखूँ?
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चार लिखूँ या पाँच लिखूँ, छः लिखूँ, आठ लिखूँ? अब यह क्या बनाऊँ? 15 कैसे आएगा नालायक? देखो इधर, पहले तो आप इस चीज़ को समझो, अभी हमने स्टार पढ़ा था ये वाला, कितने पढ़े थे इसमें भैया? आठ, दो ये, दो ये, क्योंकि बड़े वाला तो गिन चुके हम, तो आठ और चार, दो इधर, दो इधर। अब इधर को समझोगे आप, ये जो नागिन है, एक सीधी नागिन और एक उल्टी नागिन, क्लियर है? अबे नालायक, आठ तो पिछला क्वेश्चन बताया था, लिखा था पिछला, देख, एक एक दो तीन चार पाँच छः, एक सीधा ट्रायंगल और एक आठ तो बताए थे हम। नालायक गधा है बिल्कुल, क्या है? गधा। अगला क्वेश्चन किससे पूछो? प्रियंका बताइए अगला क्वेश्चन। चलो कहते पूछ लो, देखी जाएगी, क्या डरती थोड़ी हूँ, पूछो बता दूंगी मैं, बिल्कुल मिटा दूँ। मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगी, देख लेगी पहले ही। अरे बात तो वही है, पिछले वाला ही तो है। देखो ध्यान से थोड़ा सा नजर घुमा के देखो, कॉपी को बना के देखो, दिखेगा दिखेगा। देखो मैं इस लाइन को मिटा दूं, इसको मिटा दूं, कितने बनते इसमें? आठ में कोई दिक्कत थी? मैं इसको मिलाता हूं और इसको मिलाता हूं, नौ दस, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के बारह, बारह तक कोई दिक्कत? अब इस पूरे वाले को चेक करोगे, इन दोनों को मिला के एक तेरह, और इधर की बात करेंगे, इन दोनों को मिला के कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? चौदह ट्रायंगल, क्लियर है? अगला विकास बताएगा, विकास पूछ लूँ? ऐसे ही पूछूँगा, ले ले मिटा लेता हूँ मैं इस चीज़ को, तू भी याद रखेगा। ले बता विकास कितने? सावास बताए, पेपर के अंदर क्या करेगा? हरकत ही करता है, एग्जामिनर बैठ गया, थोड़ा सा मूड खराब हुआ, मैंने बात करा, आपने मेरे को नाम से क्यों बुलाया? बस नहीं, कोई भी एग्जामिनर बन सकता है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकता है, वो बन सकता है, मूड खराब हो गया, घर से मम्मी डांटे, छोटे भाई से लड़की आई, बना दिया ऐसे क्वेश्चन। पंद्रह होंगे इस बार। देखो अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, इसको मिटा दूं, तो कितने बनेंगे? आठ। इसको मैंने बढ़ाया, इसको मैंने बढ़ाया, नंबर डालूं तो मैं छः, लेकिन एक तो काउंट हो चुका ये वाला, कितने हो गए? पाँच। कोई दिक्कत? अब इन दोनों के मिला के एक, इन दोनों के मिला के एक, कितने हो जाएंगे? पंद्रह। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, चलो के लड़ने वाली लड़की से पूछेंगे इस बार। उठा दें, चलो हम तो देखो उस दिन बोलना छोड़ेंगे जिस दिन तू आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, उस दिन बोलना छोड़ देंगे, अब लगेगा पोजीशन में पहुंच गई, मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को खुशी हुई है कि बहन उस पोजीशन में पहुंच गई है, उससे पहले तो लड़ ले झगड़ ले तो बोलेंगे, ठीक है? हाँ आगे देख,
ये एक, ये दो और ये तीन। बताओ लड़ने वाली लड़की बताइए। देख के बताना, ऐसा नहीं होता ना। पक्का भाई? भाई आठ तो थे ही, जैसे हमने पढ़ा था एक लाइन से तीन आते, तो तीन तीन छः और तीन नौ, क्योंकि चौदह हमने पढ़ा था। अगर मैंने ये लाइन तो एक्स्ट्रा खींच गए, इसमें चौदह तो पढ़ा ही था, तो इसको खींचने से कितने और बनेंगे? तीन, सत्रह। अब आप कैच करने सीख गए चीज़ों को, क्लियर है? अरे आठ, ये देख कह रहा आठ कैसे बन रहा है, बता कितने बन रहे हैं इसमें, कितने बन रहे इसमें हैं? अबे नालाग, इस वाले में दस गिने थे, इस वाले में आठ गिने थे, फर्क है दोनों में। एक अंधी लड़की है, कानी लड़की है, ये दोनों आँख नहीं है इसके, हाँ समझ में? नालाग ले, अगला तेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, अगला तू ही बता दे भाई, कन्फ्यूज तेरे दूर हो जाएंगे। जिंदगी में गलती नहीं करेगा अगर इस क्वेश्चन को बता देगा तो। बता कितने ट्रायंगल है इसमें? बताओ भाई, गलत है, बाईस होंगे। देखो पीछे की चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो दो दो सेकंड के क्वेश्चन है। कितने सेकंड के क्वेश्चन है? क्लियर है? बाईस बताऊं? देखो आठ तो हमने पूरे में गिने थे, इसमें आठ गिने थे। अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ तो एक दो तीन कितने बनते? एक तो काउंट कर चुके, कितने लेते हैं? पाँच, यानी इसके पाँच और इसके भी कितने हो गए यहाँ तक? अठारह। इन दोनों के मिला के एक, इन दोनों के मिला के दो, तीन चार। क्लियर है? पूछ लो एक और, पक्का सक्षम कर, पूछ लो, तू ही बता दे। चल रहा टांगे डस्टर मिटा दू ये, अगर तूने बता दे चॉकलेट इनाम में जाफर को, ये तेरे लिए। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। बत्तीस बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको चॉकलेट के लिए बोला, सबको नहीं बोला था मैंने बत्तीस, मुझे पता है गलत देगा। मैंने कहा मैंने इसको चॉकलेट के बोला था, वो बत्तीस बता रही, बत्तीस ठीक है, तेरा गलत है। देखो बाईस तक तो हमने यहाँ गिन लिए थे, गिन लिए थे ना बाईस तक। इसके अलावा इसको बढ़ाते हैं, तो एक साइड देखोगे आप, एक इस साइड देखोगे आप, दस आ जाएंगे, इससे बढ़ जाएंगे। कैसे देखो, बाईस के बाद इसकी बात करोगे आप, देखो एक और दो तीन बनते, दो तो हम एक तो काउंट कर चुके, दो बच गए आप, दो इधर चार, कितने हो गए? छब्बीस। अब इन दोनों से मिला के अगर आप बात करते हो, एक इधर पूरा, एक ये दो, एक इधर पूरा, एक ये दो, कितने यहाँ तक? तीस। क्लियर है? अब एक पूरा बड़े की बात करेंगे, अब एक ये और एक ये, बत्तीस तक। अब आपको कैसे भी स्टार दे दे, घुमा के दे, सीधा दे, उल्टा दे, अब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एक लाइन मिटा मिटा के कॉपी पे बना बना के तब स्टेप बाय स्टेप चलोगे। क्लियर है? तो स्टार में आप गलती तो नहीं करोगे, बढ़ जाएं आगे, अब बढ़ जाएं।
ले भाई तू कह रहा तो बढ़ जाते। मैंने इतने बिल्कुल ऐसे पढ़ा है, और एक बार 500 क्वेश्चन कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने का मौका मिले फिर पढ़ देना, लेकिन ऐसे पढ़ना पोल के कि सर हम एक बार ऐसा पढ़ चुके हैं, हमें दो बार पढ़ चुके थे, तीसरा लेवल पढ़ा दो हमें। जैसे पबजी में लेवल होते हैं ना, बताओ कितने ट्रायंगल है इसमें? बाईस गलत है। बीस भी गलत है। बाईस तो ना तू सारी गिन चुका। चौबीस भी गलत है। गलत है, गलत है। आंसर 24 से ज्यादा है। 24 नहीं, अब तुक्का नहीं। 24 अब तुक्का नहीं। छब्बीस आंसर है। बाकी सब बताओ जैसे इसने बताया। 26 बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार दिमाग खुलेगा आपका। पक्का सबका आ गया? 26 बताने की जरूरत तो नहीं। कंफर्म मिटा दूं? चल आगे बढ़ते हैं। 26 आ गए इसमें। चल आगे बढ़ते हैं। विमल बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं बताया तो पिटाई इसकी आज बड़ी वाली पिटाई। विमल बता कितने ट्रायंगल है इसमें? विमल बता दे। ख्याल नहीं होना चाहिए, ख्याल गलत है तेरा। 10, 12, 14, 15 ऑप्शन है। देख ले अब। सोच के बता दे। पूछूं मैं कैसे? पक्का बता कैसे? दस तो इस वाले स्टार के हो गए, इस वाले के हो गए 10। अब एक लाइन खींची हमने ये, तो एक और दो तीन बनते हैं, तो एक तो हम काउंट कर चुके हैं, तो कितने ले लें यहाँ से? 12। इसके अलावा दो और बता दें। एक कौन से वाला? ये वाला ले लिया सर हमने, तू कह रहा था हमने ये वाला ले लिया। एक ये अच्छा कह रहा ये क्यों? अच्छा और इसके अलावा एक वाला लिया था। कौन सा वाला? ये वाला। भाई वाह। और कोई कन्फर्म? और कोई से देख लो दिमाग में आ रहा हो तो। लेकिन दोनों को मिलकर नहीं बनेगा। कौन सा? दो ये वाला दो। इन दोनों को मिला के काउंट करते हैं, ये दो बार काउंट हो रहा है तो वे कम ही कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, 14 ही आंसर रहेगा, 14 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक है 14 ही ठीक है। ये तो काउंट हो चुका ना उस वाले बॉक्स में 10 में। बिल्कुल ठीक है, मिटा दे, मिटा दे। नेक्स्ट सर क्या कह रहे सक्षम के साथ ना? ये पता क्या बोलता है बाद में, कहता ओ गलती हो गई।
ये छूट गया, ये ऐसे ही करता है। चलो आगे देखो, आगे करना पड़ता है कवर अप भाई, यहाँ पे कवर अप करके करेगा भी क्या। इसके बाद है और अट्ठाईस गलत है। बत्तीस ठीक है। नहीं बत्तीस बिल्कुल ठीक, कुछ 16 बता देगा भी। आ गया। अरे भाई इसमें कितने, आठ 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 चौबीस, एक ये वाला 25, एक ये वाला 26, एक ये वाला और एक ये वाला 28 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ये, एक ये, अब ये बड़े वाले, एक इधर एक इधर, 32। क्लियर है, मिटा दूँ? ट्रायंगल की एक क्लास और लगेगी अभी, चल एक दो क्वेश्चन और करा लेते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की मिक्सअप, मिटा दें। नेक्स्ट देखो भाई, और मेरे से तो बनेगा ही नहीं है। अच्छा बन जाएगा, अच्छा शुरू से काउंट हो गया, एक दो कौन सा है, हैं तुसार है। बस इतना ही है बता दो। चलो बता दो लास्ट क्वेश्चन आज का टॉच। चलो अभी तो बहुत सारे ट्रायंगल रह गए, बस नहीं बहुत सारे अभी, अच्छा 10 बोला यार, कान में क्या करे यार, एक छोटा भाई है प्यारा सा बेचारा, क्या करे उसको शैतान बना दिया, बड़ा प्यारा लड़का था यार। 13 गलत है, ये देखो 1600-1700 के आसपास, 1600-1700 के आसपास। बताओ पार्ट में तोड़ दो इसको, पहले तो पार्ट में तोड़ दो, एक इधर कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले में देखो, एक दो तीन चार, क्लियर है। अब देखो चार तो ये हो गए हमारे पास, मतलब एक और दो तीन और तीन छः। अब इधर की बात करेंगे, इस पूरे को एक और एक, कोई दिक्कत यहाँ तक आठ तक, और कोई भी बन रहा है इसमें, कौन सा सर ये पूरा बन रहा है नीचे के, कौन सा अरे वो बन रहा है पूरा, अच्छा ये वाला पूरा नहीं बाहर से लेकर, अरे ये पूरा तो काउंट कर चुके हैं देखो भैया, एक और दो, एक और दो, इस तीन में कोई दिक्कत है। अब इसके अलावा पहले खाली बॉक्स और ये देखो, एक पहले खाली बॉक्स और ये देखो, दो, एक ये पूरा तीन और एक ये पूरा छ,
कितने हो गए? 10, 11 और 1 12। 12 तक कोई दिक्कत? अब इन दोनों से मिलके ये 2 ये बन रहे, 1 और 1। 14 इस सवाल का। अभी 50 क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें, और 10 क्वेश्चन रेक्टेंगल के, 50 ट्रायंगल के, फिर आपका मामला हो जाएगा सही। क्लियर है? कंप्यूटर के मैंने 10-15 पेज आपको सेंड किए थे, कल परसों स्क्रीनशॉट में, वो सुन लेता हूँ अभी पास।